हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैंने एकदम मुंह में घुल जाने वाला मलाई कोकोनट लड्डू बनाया है। तो देखिए, बिल्कुल भी मतलब प्रेस करने हल्का प्रेस करते साथ ही ये बिल्कुल खुल जा रहा है और एकदम सॉफ्ट बहुत ज़्यादा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक नारियल ले लिया है पूरा, और यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। इसके अगर आपके पास ये नहीं है कंडेंस्ड मिल्क, तो फिर आप लोग अमूल पाउडर का छोटा वाला पैकेट एक पूरा ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 ग्लास दूध ले लिया है। तो मैं सबसे पहले नारियल को इस तरीके से निकाल लूँगी। तो मैंने ये कल तोड़ करके ही मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में रखा था। तो ये इजीली बहुत जल्दी निकल जाता है, इसीलिए मैंने तोड़ करके रख दिया था। तो देखिए, एकदम फटाफट जल्दी जल्दी निकल जा रहा है ये। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्रिक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। बहुत जल्दी इजीली निकल जाता है, टाइम भी नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। तो नारियल का लड्डू बनाने से इस तरीके से ज़रूर से कट करके ग्राइंड करके बनाइएगा, बहुत जल्दी बनता है। तो उसमें ना वो नारियल को घिसने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। तो देखिए, इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, मिक्सर में पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कम से कम इसे 1 मिनट जितना ही मैंने इसे पीसा है, तो बहुत जल्दी ये बन गया था। तो डिपेंड करता है मिक्सर के ऊपर या फिर जार के ऊपर कि वो कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठा दिया है और ये गर्म हो गया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दूध ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास दूध पूरा ऐड किया है। तो इसे ऐड करने के बाद में इसे फिर उबलने देना है अच्छे से। तो मैं इसमें थोड़ा सा चम्मच चला लूँगी। समझ में आता है चम्मच चलाने से कि अगर नीचे से अगर लगना रहता है या फिर फटने वाला रहता है दूध, तो पता चल जाता है। तो देखिए, यहाँ से साइड से बॉईल आ जा रहा है, बॉईल हो गया है ये। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी। धीरे धीरे इसे मिक्स करते रहना है, नहीं तो नीचे से लगने का जो डर रहता है वो नहीं होगा। तो धीरे धीरे इसे चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैं सबसे हाफ मैंने यहाँ पे बाउल मैंने यहाँ पे शुगर ऐड किया है। मिल्क मेड लूँगी मैं, तो थोड़ा सा शक्कर उसमें रहता ही है, मीठा रहता ही है वो, तो मैं इसलिए मैंने हाफ लिया है। तो वहाँ पे मैंने कोकोनट जो ग्रेट किया है वो मेरा 2 बाउल के हिसाब से था, तो मैंने उस हिसाब से हाफ बाउल मैंने शक्कर लिया है। तो आप तो धीरे धीरे ना इसे इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है। और तो मैंने देखिए चम्मच मेरा किस हिसाब से मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है, मतलब 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया होगा। तो आप लोग अगर अमूल दूध का पाउडर का पैकेट है, तो फिर आप लोग वो छोटा वाला जो आता है वो आप लोग 1 पैकेट पूरा ले सकते हैं इसमें। तो ये ऑप्शनल है कंडेंस्ड मिल्क, आप लोग अमूल दूध लेंगे तो उससे भी हो जाता है, अमूल दूध का जो पाउडर है वो लेंगे तो भी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से धीरे 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 इसे मिक्स करते रहना है, और जो साइड में जो मलाई है ना वो निकाल करके इसमें ऐड करते रहना है, तभी ये मलाई कोकोनट लड्डू बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर से इसे चलाते रहिए चम्मच को, और मलाई को निकालते रहिएगा साइड से। तो इसे मुझे दूध को ना बॉईल कर करके हाफ़ करना है। तो देखिए, मैंने जितना दूध लिया था उससे ये हाफ़ हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पे कोकोनट ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था, और मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए सिम फ्लेम में मैं ना इसे छोड़ दूंगी इस तरीके से। तो मेरा जो अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून, यहाँ पे हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा या फिर 1 टेबल स्पून बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैराडमॉन इलायची पाउडर ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसे बहुत सिम फ्लेम में मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए, इसे ये ऐसा टेक्सचर आया है इसका। तो इसे मैं और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे ना सिम फ्लेम में छोड़ दी थी। तो बाकी मेरा मैंने सिम फ्लेम में छोड़ दिया था, और बीच बीच में मैं इसमें चम्मच चला रही थी। चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा, वो नीचे से जलने का डर रहेगा। सिम फ्लेम में रखेंगे तो भी जलेगा, तो इसलिए इसे बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेरा 3 से 4 मिनट हो गया था। तो ये इजीली बहुत अच्छे से अपने आप, मैंने इसे बीच में 1-2 बार चलाया था, तो नीचे से हल्का थोड़ा सा ये लगता ही है, क्योंकि ये कोकोनट का जो मिल्क रहता है वो धीरे 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 नीचे बैठता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 3 मिनट बाद फिर ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। 2 से 3 मिनट बाद मैंने फिर से, मतलब कम से कम आप लोगों को स्टार्टिंग से लास्ट तक कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को बॉईल करना है, जब तक ये गाढ़ा होकर के इस तरीके से ड्राई ना हो जाए।
तो देखिए किस तरीके से ये ड्राई हुआ है। अगर आप लोगों का स्टिकी नहीं होता है या फिर लड्डू नहीं बनता है तो आप इसमें ना थोड़ा ऊपर से शक्कर ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा चाशनी बना के आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मेरा तो ऑलरेडी इस तरीके से बन गया था कि वो लड्डू बनना स्टार्ट हो गया था, तो वो टूट भी नहीं रहा था और बहुत सॉफ्ट था, तो एकदम परफेक्ट लड्डू लड्डू बन करके रेडी हुआ था। तो देखिए मैं इसे हल्के हाथों से ही हल्का प्रेस कर रही हूँ तो ये लड्डू एकदम बिल्कुल रेडी है। देखिए ये देखिए बहुत सारा मैंने इस तरीके से सारे एक एक करके मैंने पूरे बना लिए, तो यहाँ से कम 12 से 15 लड्डू मेरा बन करके रेडी हुआ था। तो एक नारियल से बहुत सारा बन करके रेडी हुआ था। तो आप लोगों को जितना आप लोगों का क्वांटिटी लगता है उस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। देखिए कितना सारा बना है। तो ये पिस्ता आप लोगों का ऑप्शनल है, यहाँ पे आप लोग काजू भी ऊपर डाल सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास पिस्ता था तो मैंने पिस्ता ऐड किया है, तो अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा रहता है और इवन खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे से मैंने सारा गार्निश कर लिया और मैंने इसे अच्छे से बना लिया है। तो वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब करिएगा। गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ गया है तो अपना ख्याल रखिएगा सभी। तो यहाँ चलिए रिव्यू सुन लेते हैं इनका, ये क्या बोलते हैं खा करके, इनको तो बहुत पसंद आया तो चलिए सुनते हैं इनका क्या रिव्यू है। बढ़िया, एकदम मजेदार, मजा आ गया, गुल गया मुंह में। चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर।